हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आज जो मैं घर से निकला था, एक्चुअली क्या हुआ था ना, दो तीन मतलब फ़ोन आया था भाई का मुझे। तो एक तो बोल रहे थे कि ऐसे करके ना आज राम शोभा यात्रा निकालनी है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद में फिर मैं निकल गया, ठंडी तो बहुत थी, बट मैंने ठीक है चलो भाई को बोला है तो ज्वाइन तो करना ही है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे गए, तो देखो भाई लोग ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे ये लोग। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे, भाई लोगों से मिला, भाई लोग बोले चलो ठीक है एक झंडा भी लगा देते हैं आपकी गाड़ी में, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे, भाई लोगों ने बोला चलो फोटो शूट कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है मैं तो इधर ही हूँ, मैं लाओ तुम्हारा फोटो ले लेता हूँ। मैंने फोटो लिया, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। एक्चुअली क्या ना, लोग तो बहुत सारे थे, बट क्या कि दो तीन ग्रुप में लोग मतलब डिवाइड हो गए थे कि हम इधर जाएंगे आप इधर जाओगे इस तरह से। तो मुझे इस ग्रुप में जाना था, तो मैं इस ग्रुप में साथ में हो लिया इन लोगों के। भाई रास्ते में देख रहे हो ना कितना ज़्यादा लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रखे थे लोग काफ़ी। देखो यहाँ पे आप देख रखे होगे ना कितने मतलब भगवा कलर के झंडे हैं, दुकानों पर भी लगे हुए हैं, ऑलरेडी दुकानों पर सेल भी हो रही थी। और लोगों का रिएक्शन देखो कितने ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे, मतलब ऐसा फील हो रहा था ना। इतना तो मैंने दिवाली पर भी मतलब लोगों को मतलब नहीं देखा है कि हाँ इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से उत्साहित हो रखे हों और मतलब इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल हो। ये भाई देखो यार रास्ते में आ गया था, गाड़ी को रोक के जय श्री राम चिल्लाने लगा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन थे लोगों के साथ में। मतलब मैं इसमें मतलब साथ में हुआ, फिर मुझे पहले तो मैं नहीं आ रहा था, बट मुझे फिर बाद में लगा कि हाँ चलो मेरा अच्छा डिसीजन था जो मतलब मैं इसे ज्वाइन किया मतलब राम शोभा यात्रा। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, बट मैंने बोला चलो ठीक है अब कर ही लेते हैं ज्वाइन। ये देखो भाई था आगे लीड कर रहा था, मुझसे बोला भैया आ जाओ आगे आगे चलते हैं। उसके बाद हम ना एक गली में चले गए यहाँ से, बट वो गली ना अभी तक क्रॉस नहीं थी। फिर बाद में पता चला नहीं भाई के ना यहाँ पे नाना या कोई रिलेटिव रहते हैं, तो उनसे मिलने आया था, तो उनको भी साथ में शामिल करना था। फिर हम लोग ना इस गली में थे यहाँ पे। उसके बाद में भाई ने बोला चलो ठीक है अब हम चलते हैं। फिर ठीक है ये अंकल थे तो बोले थे ये आपके साथ रहेंगे। फिर ना यहाँ पे ये भाई की जो रिलेटिव थी उन्होंने टीका वगैरह किया, तो मुझसे बोला भाई आप भी करवा लो टीका। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं आप ही करा लो। उसके बाद में मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा वेट ही कर रहा था, कोई और भी आ रहा था उनका। फिर ये बच्चे तब तक आगे बोले भैया आप यूट्यूबर हो, मैंने बोला हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। उसके बाद में फिर भैया बच्चे बोले मेरा चैनल मतलब बताओ भैया, तो मैं चैनल वैनल बताया उनको। उसके बाद में कुछ बच्चे थे तो कुछ बच्चों को चैनल आ भी नहीं रहा था, तो कुछ बच्चे बोलने लगे कि भैया लाओ मतलब सर्च कर दो मेरा चैनल। मैंने चलो ठीक है आपका चैनल सर्च कर देता हूँ। उसके बाद में अंकल काफ़ी बढ़िया थे, यही मेरे साथ में जाने वाले थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही थी, मेरी बुलेट में पता नहीं क्या हो गया, फाइनली मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी इसमें, इसी टाइम पे इसे रोकना था। फिर भाई बोलने लगा भैया मैं बुलेट चलाऊँ, मैंने ठीक है चला लो तुम बुलेट। उसके बाद में भाई ने बुलेट चलाया, उसके बाद में आगे जाके हम पकड़ लिए। भाई यहाँ पे ना ये मेरे यहाँ का अंडर पास है, भाई यहाँ पे देख रहे हैं ना चार पाँच मतलब जो पूरा ग्रुप था ना वहाँ पे इकट्ठा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई थी, मतलब ट्रैफिक एकदम जाम ही हो गया था। यहाँ से निकल रहे हैं आप लोग ने यहाँ का व्यू तो देख ही सकते हो, कितने ज़्यादा मतलब बाइक आइक थी, तो रोड तो मतलब ट्रैफिक तो होना मतलब लाजमी था, होना ही होना था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ट्रैफिक ऐसे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ पे गए थे और ऐसे अगर मतलब अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में देखो ये एक ग्रुप और था तो यहाँ पे जा रहा था मैं ना, जो बाइक में थोड़ा इशू आ गया था उसे ठीक कराने के लिए दुकान पर रुक गया। उसके बाद में कुछ भाई लोग मिले, बोले भैया चैनल का मतलब अपना बताओ, तो फिर उन्होंने मतलब सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद में फिर मैं निकल गया, भाभी ने बोला कुछ सब्जी लेके आनी है, तो मैं सब्जी लेने चला गया। और ये वाले सब्जी वाले अंकल बहुत ही अच्छे हैं, तो इनसे मैं मिला। ये आपको अच्छा लगा हो तो शेयर